आज जल्दी जल्दी आएगी सिंघम थ्री, आज तानाजी की बात करेंगे। देखिए आज आज मैं यहाँ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ। बढ़िया बेटा, आज मैं यहाँ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ। आज आप ये कह सकते हैं कि मैं देवगन फिल्म्स का बहुत ही पुराना एम्प्लॉय हूँ, उस हैसियत से आया हूँ। मेरी कहानी की जर्नी एक नाम के बिना अधूरी है और वो नाम है अजय देवगन। आप सब उसे अजय देवगन कहते हैं, मैं बॉस कहता हूं। 30 साल साथ बिताया हम लोगों ने। ये रिश्ता चंद फ्राइडेज का नहीं है, 2 generations का है। और आज मैं यहां इसीलिए हूं कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, ये सपना अजय ने आज से 30 साल पहले देखा था कि ऑडियंस के लिए एक ऐसा विजुअल क्रिएट करें कि उनके लिए लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस बन जाए। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब अजय का यह सपना पूरा हुआ, ये उनकी 100th फिल्म है। 100 फिल्में, 2 words, 100 films, लेकिन इसके पीछे 30 साल की जर्नी रही है इस इंसान की। डेडिकेशन रहा है, ऑनेस्टी रही है, कमिटमेंट रहा है। आप लोग अब जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आसान नहीं था। इसके पीछे पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। अजय सर की खुद की कंपनी NYVFX वाला, ओम राउत द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, अजय एज अ प्रोड्यूसर, सेफ, बहुत लोगों की मेहनत है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आप लोगों ने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा। लेकिन उससे पहले जिस इंसान का ये विजन था कंपनी फॉर्म करना, यहां तक पहुंचना, मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम अजय देवगन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का सबसे पहले यहां आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। और रोहित ने इतनी सारी बातें बोल दी हैं। मेरी जर्नी आई थिंक रोहित के बिना वैसे भी कंप्लीट नहीं होती। जब हमने काम शुरू किया था, ही जॉइंड एज एन असिस्टेंट और तब से ही इज़ बिन पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं एक बात सच्ची कहूँगा कि आज तक इतना प्राइड मैं किसी में नहीं लेता हूँ जितना रोहित में लेता हूँ कि अ बॉय हु स्टार्टेड विथ मी, आज देखिए आप कहाँ पहुँच गए। सिर्फ अपनी मेहनत से, लगन से, शुरू में सीख के, और अब आप सबने देखा क्या है। सो थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। और हाईलाइट ये है कि हमारी जर्नी 30 साल पहले जब शुरू हुई, हमारा ऑफिस सामने था, अभी भी है सामने की बिल्डिंग में। मतलब कमाल की बात है, कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद 100 फिल्म्स होंगी, यहाँ पहुँचेंगे, सामने आएंगे आप लोग के सामने। सर दिस वन थिंग अजय सर आपसे पूछना चाहूँगा मैं यहाँ सर को, मैंने इतना इमोशनल रोहित सर को इससे पहले कभी नहीं देखा है। यू नो ही इज़ लाइक सो ओवरवेलम्ड बाय ऑल दिस। आप मुझे बोलें कि जब वो शुरुआत हो रही थी, जैसा उन्होंने कहा जर्नी की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय सर वो लड़कपन में कुछ वैसा वाला कोई किस्सा बनता है सर? मत पूछो भी। मतलब काम के अलावा जो हरकतें लोग बचपन में 15-16 साल की उम्र में करते थे, हम ऐसा शायद 22-23-24 साल की उम्र में करते थे। मेरे डैड बहुत नाराज़ होते थे एक दूसरे की, हम बातें छुपाते थे, मार खाते थे एक दूसरे के लिए, डांट खाते थे, और एक दूसरे के लिए बहुत झूठ भी बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको झूठ बोलना है, सिर्फ अगर किसी को ट्रेलर पसंद नहीं आए तो वो झूठ बोलेगा कि बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो झूठ बोलने की नौबत नहीं आएगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। You know the hard work that we are talking about over here. मैं कल से मतलब आपकी टीम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, वो जो जोश जज्बा देखने को मिल रहा है, we've never seen it, and I'm sure इसको देखने के बाद यहाँ भी वही जोश दिखेगा, वही जज्बा दिखेगा। So sir, with your kind permission, चलिए please. So it's time to experience something which you all have never seen before. Yes. ताना जी, the unsung warrior. चश्मा सब लोग पहन लो, सबसे इंपॉर्टेंट जी। और ट्रेलर के बीच में कोई तस्वीरें नहीं खींचना, तस्वीर नहीं खींचना, चश्मा पहन लेना। 2 बार हम प्रोमो चलाएंगे, 1 बार खत्म होगा फिर चलाएंगे, फिर इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? चलो, ऑल द थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी भी चश्मा लगा रखा है, आपको हम 3D दिख रहे थे। थैंक यू तैमूर, ठीक है।
नहीं मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच अजय. 100th फिल्म. आई एम वेरी हैप्पी आई कुड बी इन इट विद यू. हमने पहली बार काम किया था कच्चे धागे में, तो बहुत अच्छी फिल्म थी. अच्छा आपको अच्छी लगी? फेल हो गया. बट ये मतलब मैं जानता हूँ अजय फिल्मों से कितना प्यार करता है और सब देख सकते हैं. अगर आप ये फिल्म देखेंगे, इट इज़ अ इनक्रेडिबल अचीवमेंट. टेक्निकली यू नीड पैशन, यू नीड टू लव योर वर्क. आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी आई कुड बी पार्ट ऑफ योर 100th फिल्म. Thank you for having me. For being here. I had a really good time. And मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि what I love about Ajay also is the kind of star he is. You know, like the systems that he supports. इतने सारे लोग हैं. जब मैंने शूटिंग की 20-30 साल पहले, मैं उस स्पॉट बॉय से, उस उन टेक्नीशियन से, लाइटमैन से मैं मिला था, और वो तब से काम कर रहे हैं अजय के साथ. ही सपोर्टेड लाइक सच अ मैसिव पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. सो आई ग्रेट ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू सर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग. थैंक यू सो मच. प्लीज. एंड व्हेन वी जब हमने सोचा कि हु विल प्ले उदयवान, तो हमें कोई नाम समझ नहीं आ रहा था एक्सेप्ट फॉर सैफ, बिकॉज जो पर्सनालिटी और जो परफॉर्मेंस चाहिए था. एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू. वेरी नाइस. ग्रेट. इट लुक्स अमेजिंग. आई हैवंट सीन अ 3D फिल्म सिंस आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन वन विद ग्लासेस. आई वाज ऑलवेज रियल नर्वस अबाउट देम यू नो, बट आई थिंक यू हैव डन इट. इट्स आउटस्टैंडिंग. इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. चलिए अब वक्त है उन्हें बुलाने का जिनकी मैं एज अ डायरेक्टर जानता हूँ कि नींदें हराम हो गई होंगी इतना बड़ा विजन क्रिएट करने में. Please welcome our director, Om Rao. Om, just one question. How does it feel? समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ. I think it feels great. I mean, we've been trying to, you know, make this film. काफी time हो गया, and now the first visuals are seen by everybody, and I think people are liking it. It makes a lot of sense. Loving it, and I hope people love the film also once we've done with it. It's a good feeling. Thank you, everybody. एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा. मैं एक्चुअली उन्हें स्टेज पे बुला लेता हूँ. बहुत कमाल की आवाज है उनकी. उनकी आवाज का मैं भी फैन हूँ. शरद केलकर, प्लीज प्लीज टेल अस, यू नो, इतनी अहम भूमिका, एंड दैट इज नॉट इजी टू प्ले ऑन द बिग स्क्रीन. यू नो, इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, इतना जोश उन्होंने हम सब में भरा है, इतना सब कुछ हम सब के लिए किया है. व्हाट डू यू हैव टू से? अगर मैं यहाँ किसी से भी पूछूं या किसी को भी ऑफर किया जाए रोल, उसके क्या हाल होंगे? वो मेरे थे फर्स्ट डे जब ओम सर ने मुझे बुलाया. बट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शूट दो बच्चे थे छोटे, एक लड़की थी कुछ 7-8 साल की. मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के गेटअप में आया सीन करने के लिए, और उसने मुझे देखा 5-6 मिनट, और एक चीज कही उसने, क्या आपका ही स्टैचू लगा हुआ एयरपोर्ट के बाहर? एंड आई सेड इट्स अनबिलीवेबल. मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था. It was only his vision, Ajay sir's vision, जिन्होंने मुझे कास्ट किया, मुझे मौका मिला. और किसी भी एक्टर के लिए राजे का रोल करना, I think it's a lifetime opportunity. और thank you so much for that, and hope you will like it. And now, ladies and gentlemen, यहाँ पे, you know, I'd like to invite on stage someone who's bagged wonderful projects as always इस समय भी, and कह सकते हैं वो खुद एक warrior है. और बॉक्स ऑफिस पे मतलब जिन्होंने इतनी तोड़फोड़ मचा दी है कि क्या करूं, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार. लेडीज एंड जेंटलमैन, कहां से लाते हैं सर इतने वेपन्स? पहले तो ये बताएं आप. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक अजय सर, इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में मेरे को हिस्सा बनाने की. सो थैंक यू वेरी मच अजय सर, आपने भरोसा रखा, एंड वी विल टेक दिस थिंग टू डिफरेंट लेवल एज आई जस्ट टोल्ड यू आउटसाइड. So I'm very excited as T-Series कि हमें इतनी बड़ी मैग्नम ऑपस को बैक करने का मौका मिला. So we are just very excited about that. And the smile says it all, you know. Yes. इस समय वो एकदम year to year smile जो है यहाँ पे. So it's time for a quick photo op and then we'll take the questions, right? We good? Sir, एक सवाल भूल गया मैं. काजल मैम, अभी आपने देखा ताना जी कि जो आप जब आप फिल्म देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि बेटे की शादी होने वाली है और वो वॉर पे निकल जाते हैं अपना धर्म निभाने. सो उसी तरह से इस वक्त काजल जो हैं वो सिंगापुर में निशा की
जो पढ़ाई चल रही है तो वो वहाँ पर है, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो ऑब्वियसली कोई एक पेरेंट को जाना था तो शी हैड टू गो. ऑलराइट. और स्क्रीन पे जब हमने उन्हें देखा वो मतलब वहीं पे सब लोग फ्लोर हो गए, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फॉर दिस एंटायर अमेजिंग टीम ओवर हियर. रोहित सर अब आप यहाँ पे आए, अब आपकी दूसरी भूमिका है. इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑफ.